Hey guys, welcome back to my YouTube channel. And in this video, we gonna compute the Pearson product movement coefficient of correlation, that is PPMC. So if you don't know anything about the Pearson product movement of correlation, this video is for. And if you haven't subscribed my channel till yet, please subscribe it now. This is Caffeine Shot. Let's get started. सो गाइज, जहाँ तक कि यहाँ पर आपकी बात है, देखिए क्वेश्चन में लिख रखा है पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट ऑफ कोरिलेशन, दैट इज आपको पीपीएमसी से करना होगा। कई बार आपका क्या लिखा था क्वेश्चन में, खाली पियर्सन मेथड से करिए या फिर पियर्सन प्रोडक्ट मेथड से करिए, या अगर खाली लिखा जाता है पियर्सन मेथड से करिए, तो आपके पास एक रो स्कोर मेथड भी होता है जो कि मैंने पुरानी वीडियोज में बता रखा है, आप उसके थ्रू भी कर सकते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा ईजी रहता है। लेकिन जब अगर लिखा हो पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन, दैट मीन आपको रो डाटा से नहीं करना है, आपको पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट ऑफ कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन से ही करना है। तो आइए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस आपको सबसे जल्दी और आसानी से मिल सके। दिस इज कैफीन शॉट, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, ये जो आपके पास डाटा दे रखा है, डाटा एक्स और डाटा वाई, मैं क्या करता हूँ इसको नीचे नोट डाउन कर लेता हूँ। सो गाइज, यहाँ पर हमने जो डाटा था उसको नोट डाउन कर लिया है। नाउ सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि आपका समेशन ऑफ एक्स निकालना। जब आप समेशन ऑफ एक्स निकालोगे, दैट इज इन सब का सम करोगे, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 59। सेम उसी तरीके से आप समेशन ऑफ वाई निकाल लीजिएगा। समेशन ऑफ वाई जब आप करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी कितनी, 65। नाउ हमारे पास समेशन ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई है, समेशन ऑफ वाई की वैल्यू आ गई है, हमें निकालना क्या था, हमें निकालना है यहाँ पर आपका एक्स बार। एक्स बार क्या होता है, मैं बता ही चुका हूँ आपको, मीन निकालने का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सो यहाँ पर हम सम ऑफ ऑब्जर्वेशन की बात करेंगे एक्स डाटा के लिए, तो यहाँ पर हमारा कितना है 59। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की अगर हम बात करें, दैट इज नंबर ऑफ टर्म, अगर आप देखोगे एक्स डाटा के जो टर्म है उसको सपोज कर लिए मैं n1 से रिप्रेजेंट करता हूँ, दैट इज नंबर ऑफ टर्म इन योर एक्स डाटा। तो n1 यानी कि नंबर ऑफ टर्म इन योर एक्स डाटा इज 10। ऑल्सो अगर मैं नंबर ऑफ टर्म इन वाई डाटा को n2 से रिप्रेजेंट करता हूँ, तो वाई डाटा में भी कितनी है आपकी 10। नाउ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास कितनी है आपके पास 10, तो 59 डिवाइडेड बाई 10 डेट इज 5.9। तो हमारे पास जो x बार की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 5.9। इसी तरीके से हम y बार की भी वैल्यू निकाल लेते हैं, y बार क्या हो जाएगा आपका 65 डेट इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई 10 एंड विच इज इक्वल टू 6.5। तो हमारे पास वैल्यू आ गई है x बार की 5.9 और y बार की वैल्यू आ गई है 6.5। नेक्स्ट कॉलम क्या रहता है, नेक्स्ट कॉलम रहता है आपका एक्स माइनस एक्स बार। और गाइस हमेशा याद रखिए, इसके स्टेप अगर आपको याद करने हैं तो हमेशा याद रखिए कि जो भी मेथड हम एक्स के साथ लगा रहे हैं, एक्स वेरिएबल के साथ लगा रहे हैं, वो सेम मेथड आप वाई के साथ ही लगाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप अगर एक्स की मीन निकाल रहे हैं तो वाई की मीन नहीं निकालेंगे। जो भी अगर आप काम या फिर मेथड जो भी एक्स के साथ कर रहे हैं, वो आपको मेथड आपको वाई के साथ भी लगाने पड़ेंगे। सो अगर हम एक्स माइनस एक्स बार निकाल रहे हैं, दैट मीन हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, वाई माइनस वाई बार। तो एक्स माइनस एक्स बार, एक्स की वैल्यू कितनी है आपके पास 12, 12 माइनस वाई बार, एक्स बार की बात करें तो हमारे पास कितनी आई है वैल्यू 5.9। सो 12 माइनस 5.9 करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 6.1। राइट, मैं दोबारा बता देता हूँ एक बार, x माइनस एक्स बार, एक्स की वैल्यू कितनी है 10, एक्स बार की वैल्यू कितनी है 5.9। सो 10 माइनस 5.9 दैट इज 4.1। इसी तरीके से यहाँ पर मैं इस जो टेबल है इसको फिल कर देता हूँ, आप लोग क्रॉस चेक कर लीजिएगा। नाउ हमने क्या करा था x माइनस एक्स बार, सेम हम करेंगे y माइनस वाई बार, y दैट इज 10, y बार कितना आ रहा था हमारा, y बार आ रहा था हमारा 6.5। सो 10 माइनस 6.5 दैट इज 3.5। नेक्स्ट 12 माइनस 6.5 दैट इज 5.5। सेम हैपन विद द वाई माइनस वाई बार। इसमें गाइज आपको एक चीज का मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, वो है आपके साइन। वाई बिकॉज मैं आपको लास्ट स्टेप में बताऊंगा, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी जो साइन की वैल्यू है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है,
वही आपको बहुत बड़ा इफेक्ट लाएगी। तो हमेशा गाइस इसमें जब आप मल्टीप्लाई करें माइनस करें तो हमेशा साइन को जरूर लिखें। जैसे कि अगर आप देखोगे यहाँ पर 6 - 6.5, y - y बार, y बार कितना है हमारा 6.5, तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है -0.5। इसी तरीके से आपको जो साइन लग रहा है उस साइन को डिनोट करना है माइनस का, हमेशा यहाँ पर हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट स्टेप क्या था? नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है x - x बार का होल स्क्वायर। और जैसे कि मैंने आपको बताया जो स्टेप हम x के साथ कर रहे हैं वो स्टेप हम किसके साथ करेंगे, y के साथ। सो x - x बार दैट इज ये था, इसका यहाँ पर हमें क्या करना है, होल स्क्वायर करना है। तो 6.1 का होल स्क्वायर दैट इज 37.21 एंड सो ऑन। ये हमने राइट डाउन कर दिया है x - x बार का होल स्क्वायर। सेम गोज फॉर द y - y बार। y - y बार ये था आपका, इसको आपको क्या करना है, सिर्फ यहाँ पर स्क्वायर कर देना है। तो 3.5 का स्क्वायर करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 12.25 एंड इसी तरीके से आपको पूरे कॉलम का होल स्क्वायर कर देना है। ये आपका आ गया है x - x बार का होल स्क्वायर एंड y - y बार का होल स्क्वायर। लास्ट स्टेप इसमें क्या रहता है, जो आपने निकाला है x - x बार का एंड y - y बार, दोनों को आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अगर आप यहाँ देखोगे गाइज, ये स्टेप आपका बहुत क्रूशियल और बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। कैसे, आइए देखते हैं। x - x बार डेट इज 6.1 × 3.5, तो यहाँ पर आप लिखोगे जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 21.35, राइट। सेम 4.1 × 5.5 दैट इज 22.55। नेक्स्ट आप देखोगे यहाँ पर 1.1 × 0.5, तो जब आप कर लिखोगे यहाँ पर तो माइनस का साइन जरूर लगाना गाइस, माइनस वाई, बिकॉज प्लस का है 1.1 और माइनस का है 0.55, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट आएगा वो माइनस में आएगा। इसी तरीके से आप देखोगे 0.9 × -3.5, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी -3.50। इस तरीके से आपको नोट डाउन करके लिखना है। इसलिए मैं कह रहा था कि जब आप यहाँ पर माइनस करें, सब्स्ट्रैक्ट करें x - x बार या y - y बार करें, तो इस माइनस की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा रहती है। यहाँ पर हमने x - x बार मल्टीप्लाई बाय y - y बार भी निकाल लिया है, राइट। नाउ हमें क्या करना है, x - x बार का जो समेशन आया था, इन सबको हमें क्या कर लेना है, सम कर लेना है। x - x बार का जो पूरा समेशन है, जब आप इसको सम करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 92.9। सेम y - y बार का जो होल स्क्वायर का समेशन था वो भी हमें लिख लेना है, और जब आप इसका समेशन करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 82.5। लास्ट बट नॉट लीस्ट, यहाँ पर जब आप इसको ऐड करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 69.2। ये 69.2 कैसे आ रही है गाइस, मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। जब आप इन पॉजिटिव टर्म को ऐड करोगे, यानी कि इन टर्म को, इसको और इसको छोड़ के इन बाकी टर्म को जब आप ऐड करोगे तो आपके पास प्लस की आएगी 72.9, और जब आप माइनस टर्म को ऐड करोगे डेट इज -3.15 एंड -0.55, तो आपके पास आएगा -3.7। जब आप इसको सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 69.2। ओके, मेरे पे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर आपने कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी। नहीं, प्लस की जो टर्म्स होती हैं उनको एक साथ ऐड करिए, माइनस की टर्म को एक साथ ऐड करिए, फिर दोनों का डिफरेंस यहाँ पर लिखना होता है। कई बच्चे मिस्टेक कर देते हैं और यही कारण है कि पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट ऑफ कोरिलेशन अधिकतर बच्चों का गलत आता है। ओके, नाउ पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट ऑफ कोरिलेशन निकालते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आर से। फॉर्मूला होता है आपका समेशन ऑफ x - x बार मल्टीप्लीकेशन ऑफ y - y बार डिवाइडेड बाय एन एस एक्स
मल्टीप्लाई बाय एस वाई। नाउ अगर आप देखोगे हमारे पास एन की वैल्यू है, दैट इज नंबर ऑफ टर्म, वो कितनी है आपकी 10। समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार एंड वाई माइनस वाई बार अभी हमने निकाला है दिस वन। ओके, नाउ ये एस एक्स और एस वाई क्या है, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। अगर मेरे पास एस एक्स और एक्स वाई आ जाए, मैं वैल्यू पुट कर दूंगा और हमारा आंसर आ जाएगा। नाउ एस एक्स और एस वाई कैसे निकालना है, आइए देखते हैं। दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, इसका फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर इनकी, एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। सो एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर हमने निकाला था, दैट इज आपका 92.9। नाउ 92.9 डिवाइडेड बाय 10 विच इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 9.29, और जब आप इसका अंडर रूट लोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 3.04। तो हमारे पास एस एक्स दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई है 3.04। सेम इसी तरीके से हम आपका एस वाई निकाल लेंगे, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, उसका फॉर्मूला क्या होगा, सेम समेशन ऑफ वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। हमेशा गाइज याद रखिएगा यहाँ पर वैसे एन माइनस वन रहता है, लेकिन पियर्सन में सिर्फ आपका जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं तो क्या रहता है आपका एन, नॉट एन माइनस वन। वाई माइनस वाई बार की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, 82.5, दैट मीन 82.5 डिवाइडेड बाय 10 विच इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 8.25 एंड विच इज इक्वल्स टू 2.87। सो हमारे पास जो एस वाई था उसकी वैल्यू कितनी आ चुकी है, 2.87। निकालना क्या था हमें, पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट ऑफ कोरिलेशन। आइए अगर आप देखोगे हमारे पास न्यूमरेटर की वैल्यू है, एन की वैल्यू है, एस एक्स की वैल्यू है, एस वाई की भी वैल्यू है, वैल्यू सिर्फ और सिर्फ अपना आपको पुट करनी रह गई है। दोबारा एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं, आर इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय एन एस एक्स एन एस वाई। ओके, ना जब आप इसको देखोगे एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार वैल्यू कितनी आई थी हमारी, 69.2। सो वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर 69.2 एन, दैट इज नंबर ऑफ टर्म। अब चाहे आप एक्स कॉलम में देख लीजिए चाहे वाई कॉलम में देख लीजिए, वैल्यू ऑफ एन इज गोज टू 10। एस एक्स अभी हमने ऊपर निकाली है 3.04। एक्स वाई दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, दैट इज 2.87। जब गाइज आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.793। दैट मीन जो हमारा पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट ऑफ कोरिलेशन है उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 0.793। दिस इज द वैल्यू, और यू कैन से दिस इज योर पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट ऑफ कोरिलेशन। आई नो थोड़ा लिटिल बिट हेक्टिक है, बट एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है, मास्टर्स में भी पूछा जाता है, और काफ़ी इजी भी है अनटिल अनलेस इसमें प्लस माइनस का साइन ना पड़ जाए। तो थोड़ा केयरफुल रख के करना है, लेकिन ऑब्वियस है इजी हो सकता है। सो दिस इज़ पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट ऑफ कोरिलेशन। अगर गाइज आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें बिना बिल्कुल ना जाएं। वीडियो बनाने में भी बहुत मेहनत लगती है, और आई होप आप लोगों को अच्छे से समझाने और समझने में कोई इशू नहीं आ रहा होगा। फिर भी अगर कोई इशू है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे अप्रोच कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, वी विल रिवर्ट यू बैक एज अर्ली एज पॉसिबल। सो वी गोना मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप गैदरिंग लॉट्स ऑफ मेमोरी। दिस इज कैप्टन शॉट, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू ऑल ऑफ यू।